रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बस कुछ घंटे और जब अंधेरे में डूब जाएगी दिल्ली, नई दिल्ली। दिल्ली वासियों के लिए 20 घंटे के बाद एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस भीषण गर्मी में कभी भी बिजली सप्लाई बंद हो सकती है। दरअसल दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले पावर प्लांट के पास बस 20 घंटे का ही कोई अलार्म बचा है। इसके बाद दिल्ली में बिजली संकट गहरा सकता है। वर्तमान में बिजली के प्लांट में एक दिन का कोई लाभ ही नहीं है। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद दी। उन्होंने कहा कि प्लांट में सिर्फ 20 घंटे की बिजली के लायक ही कोई अलार्म बचा है। इस बारे में केंद्र सरकार को भी सूचना दे दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दौरान इसके लिए उन्होंने बीजेपी सरकार जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि 17 मई को ही गोयल को पत्र लिखा था, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज दिल्ली में बिजली पैदा करने के लिए एक दिन के भी कोयले नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि झज्जर, दादरी, बदरपुर पावर प्लांट में 2426 मेगावाट दिल्ली के लिए आवंटित हैं। इन प्लांट में 15 से 20 दिन का कोयला होना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक दिन का कोयला भी नहीं है। इनमें केवल 20 घंटे का ही कोयला बचा है। आपको बता दें कि इससे पहले तकनीकी कारणों से बंद पड़ी 490 मेगावाट की एक इकाई को NTPC दादरी ने शुरू कर दी। गत 25 मई से ये इकाई बंद पड़ी थी। आपको बता दें कि बिजली की कमी की वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वासियों को बिजली की भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है।